पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर शनिवार को पेंसिल्वेनिया में आयोजित एक रैली के दौरान जानलेवा हमला किया गया। पेंसिल्वेनिया के बटलर में ट्रंप अपनी चुनावी रैली कर रहे थे। इस दौरान अचानक से गोली की आवाज़ सुनाई दी और वो गोली ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई। इस बीच ट्रंप भी समझ गए थे कि अचानक उनके साथ क्या हुआ है। ट्रंप अपने कान को छूते हैं और उनका हाथ लहूलुहान हो चुका होता है। इस दौरान सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने उन्हें तुरंत ही कवर कर लिया और ट्रंप को स्टेज से उतार दिया। इस हमले से ट्रंप के समर्थक चिंतित थे, लेकिन गोली लगने के बाद जब ट्रंप उठे, उन्होंने मुट्ठी बांधकर हवा में लहराई तो भीड़ ने शोर मचाकर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान उनका चेहरा लहूलुहान था। इसके बाद सीक्रेट एजेंट्स ने ट्रंप को स्टेज से उतारकर उनको कार में बिठाकर वहां से अस्पताल ले गए। भारतीय समय से देखें तो ये घटना रविवार सुबह 4 बजे की है, तब अमेरिका में शनिवार की शाम 6:30 बजे का समय हुआ था। ऐसे के बाद खुद ट्रंप ने ट्वीट किया, 78 वर्षीय ट्रंप ने उनकी जान बचाने के लिए सीक्रेट सर्विस का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, मैं पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुई घटना के बीच अमेरिका की सीक्रेट सर्विस और सभी कानूनी एजेंसी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लॉ एनफोर्समेंट के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ट्रंप की रैली में शूटर ने AR-15 राइफल से 8 राउंड तक फायरिंग की। पहले राउंड में 3 और दूसरे राउंड में 5 गोलियां चली। पुलिस ने बताया कि ट्रंप पर करीब 400 फीट दूर मौजूद इमारत की छत से फायरिंग की गई। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध शूटर मारा गया है। ट्रंप पर फायरिंग करने वाले का नाम मैथ्यू क्रूक्स है, जिसकी उम्र 20 साल थी। इस हमले के बाद ओबामा समेत कई विपक्षी नेताओं ने ट्रंप के लिए प्रार्थना की है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारे डेमोक्रेसी में राजनीतिक हिंसा के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। हालांकि हम अभी तक ठीक से जानते नहीं हैं कि क्या हुआ था। हमें इस बात की राहत है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को गंभीर चोट नहीं आई है, मिशेल और मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तो वहीं ट्रंप पर हुए हमले पर पीएम मोदी ने भी चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा, अपने मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बहुत चिंतित हूं। घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिजनों, घायलों और अमेरिकी जनता के साथ हैं। पीएम मोदी ने ट्रंप पर हुए अटैक की कड़ी निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमले को लेकर कहा कि अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। मैं सीक्रेट सर्विस और राज्य एजेंसियों सहित सभी एजेंसियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मूल बात यह है कि ट्रंप की रैली बिना किसी समस्या के शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की जानी चाहिए थी। सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए। There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. And I want to thank the Secret Service and all the agencies, including the state agencies, that have been engaged. जांच एजेंसियों का कहना है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की हत्या की कोशिश की गई थी। ये चौंकाने वाली घटना ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिका में इस साल के अंत में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। इस हमले में मौजूद एक शख्स की भी मौत हो गई है। गौरतलब है कि इस हमले के बाद ट्रंप सुरक्षित हैं और उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सीक्रेट सर्विस के साथ अमेरिका की संघीय जांच ब्यूरो मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।